आज ईश्वर की अनंत कृपा एवं पूज्य संतों के आशीर्वाद के फलस्वरूप सनातन धर्म के प्राचीन एवं उपेक्षित मंदिरों के जीर्णोद्धार हेतु सनातन मंदिर चेतना सोसाइटी की स्थापना सन 2014 में की गई थी। स्थापना के बाद से ही संस्था द्वारा अभी तक कुल 19 मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जा चुका है। संस्था ने अभी तक जिन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया वो सभी सामाजिक एवं धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति कर रहे हैं। यह संस्था गैर लाभकारी एवं स्व वित्त पोषित है। यह संस्था समाज के प्रबुद्ध एवं सनातन धर्म के प्रति जागरूक लोगों का संगठन है। संस्था द्वारा सभी जीर्णोद्धारित मंदिरों को वहीं के स्थानीय नागरिकों की कमेटी बनाकर समर्पित किया गया है और उनमें संस्था किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करती है। संस्था द्वारा किए गए और उल्लेखनीय कार्यों में सनातन धर्म रत्न पुरस्कार एक कार्य है जिसको हम लोगों ने 2019 से प्रारंभ किया था। इस पुरस्कार में एक चांदी का पदक, 1,00,000 रुपये की एक चेक और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और यह पुरस्कार प्रतिवर्ष उन महानुभावों को दिया जाता है जो सनातन धर्म के प्रचार प्रसार हेतु आजीवन अथक प्रयासरत रहे हों। वर्ष 2019 में सनातन धर्म रत्न पुरस्कार पूज्य स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज को दिया गया चित्रकूट में। वर्ष 2020 का सनातन धर्म रत्न पुरस्कार स्वर्गीय अशोक सिंघल को मरणोपरांत आदरणीय दिनेश जी को सौंपा गया। वर्ष 2021 का सनातन धर्म रत्न पुरस्कार पूज्य स्वामी निश्चलानंद जी महाराज को दिया गया और 2022 के लिए हमारे बीच में सनातन धर्म रत्न पुरस्कार डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को दिया जा रहा है। आप डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी प्रखर हिंदू राष्ट्रवादी नेता, सनातन धर्म के महान योद्धा और प्रचारक हैं। आपने हार्वर्ड विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है तथा हार्वर्ड विश्वविद्यालय के ही विजिटिंग फैकल्टी मेंबर भी आप रहे हैं। राष्ट्र में आपकी पहचान एक ऐसे व्यक्ति के रूप में है जिन्होंने अपने आदर्शों के लिए निर्भीक होकर संघर्ष किया है। आपने अनेक उल्लेखनीय कार्य किए हैं जिनमें से सनातन हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के लिए निम्नलिखित कार्य प्रमुख हैं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए बहुत संघर्ष किया आपने, राम सेतु को बचाने के लिए संघर्ष किया और धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए भी आपने बहुत प्रयास किए हैं। सनातन मंदिर चेतना सोसाइटी आपके द्वारा सनातन हिंदू धर्म की रक्षा के लिए किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए सनातन धर्म रत्न पुरस्कार 2022 की घोषणा करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है तथा ईश्वर से प्रार्थना करती है कि आप इसी तरह से स्वस्थ और दीर्घायु होकर सनातन हिंदू धर्म की रक्षा करें तथा सनातन हिंदू धर्म के ध्वजा को संपूर्ण विश्व में फहराने का गौरव प्राप्त करें। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मानव धर्मो हतो वधीत। इसका अर्थ यह है कि धर्म का लोप कर देने से वह उस पुरुष को नष्ट कर देता है और धर्म की रक्षा करने से वह धर्म भी हमारी रक्षा करता है। इसलिए धर्म का नाश नहीं करना चाहिए जिससे नष्ट धर्म हमारा नाश ना करें। इसी भावना के साथ डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी ने सनातन धर्म की रक्षा का कार्य निरंतर किया है। संपूर्ण सनातनी हिंदू समाज इसके लिए इनका सदैव ऋणी रहेगा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के लिए हम लोगों का एक छोटा सा प्रयास है, एकादशी व्रत और सत्यनारायण भगवान की कथा के माध्यम से हम लोग उसके लिए जन जागरूकता अभियान चलाकर उसको प्रयास कर रहे हैं और अपनी भी आहुति उसमें देने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों ने भारतीय नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से मनाए जाने के लिए एक अभियान छेड़ रखा है जिसका परिणाम ये रहा कि 2020 से हम लोगों ने चालू किया था और 2022 में अब काफ़ी लोगों के मोबाइल में भारतीय नववर्ष की चर्चा होने लगी है और आने लगी हैं बातें। उसके अलावा हम लोगों ने एक नया कार्यक्रम किया, रामत्व से रामराज के लिए जन जागरण। राम मंदिर बनने के बाद रामराज की परिकल्पना को साकार करने के लिए हमारी संस्था काम कर रही है और रामराज की स्थापना हेतु हमने एक राजनीतिक दल का भी गठन अयोध्या में जाके 2022 में किया है
और ये दल रामराज के लिए स्थापना के लिए काम करेगा। भारत राष्ट्र के उत्कर्ष हेतु जन जागरण और धर्म सभाओं का आयोजन हम लोग समय समय पर करते रहते हैं। हम लोगों ने इस समाज में मनु के बारे में जो भ्रांतियाँ व्याप्त थी उनको दूर करने का भी प्रयास किया और एक मनु मंदिर बनाया और मनु के बारे में दो कथाएं करके एक कीर्तिमान स्थापित किया कि मनु के बारे में लोग चर्चा करें। मनु मानव जीवन के कैसे जिया जाए इसकी सबसे उत्कृष्ट पुस्तक है, उसका हम लोगों ने एक प्रयास किया और वो सफल भी रहा। और विभिन्न गोष्ठी और कथाओं के माध्यम से सनातन वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार हम लोग करते रहते हैं। और एकादशी व्रत कथा के माध्यम से हम लोगों ने स्वास्थ्य को भी ले लेके एक काम किया है। जापान के दो वैज्ञानिकों को पुरस्कार मिला वहाँ पे कि वो 15 दिन में अगर उपवास रखा जाए तो कैंसर होने की संभावना कम हो जाती है। और संयोग से हमारी एकादशी जो है हर 15 दिन बाद आती है, तो एकादशी व्रत रहें और कैंसर से बचें, ये अभियान भी हमने चलाया। आज हम लोग पूज्य स्वामी जी को सनातन धर्म रत्न पुरस्कार देने के लिए यहाँ आकर अपने आप को गौरव की अनुभूति कर रहे हैं। सनातन के लिए कुछ कहना चाहें जो आपका मन हो तो आपको हमें थोड़ी कुछ कहना। प्लीज जरा फोन साइलेंट पे लगा दो सर, लोग अब तक ठीक हो गए। फोन करिए सर। सबसे पहले मैं हृदय पूर्वक धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपकी सनातन मंदिर की जो संस्था है, जो आपने ये सम्मान मुझे दिया है, ये मेरे लिए तो अभूतपूर्व है। और आपने भी बातों में कहा था कि मैं किसी ईर्ष्या से या यदि या किसी अपनी प्रसिद्धि के लिए मैं ये नहीं कर रहा हूँ। और ये मुझे वास्तव में लगता है कि भारत देश का पुनरुत्थान में हिंदू पुनरुत्थान मुख्य है और इस हिंदू पुनरुत्थान के लिए अब धीरे धीरे दुनिया में भी इसकी स्वीकृति हो रही है। कई बातों में मुझे बताया गया कि जो सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें अगले जो 100 साल होंगे उसमें जैसे कंप्यूटर ने बदल लाई, वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाएगी। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कंप्यूटर में उसको भाषा से उसको काम निकालने के लिए जो भाषा है, अब विषय ये माना गया है और ये नासा के पब्लिकेशन में छपा भी है कि एक ही भाषा कंप्यूटर समझेगी, जिसमें जो है संस्कृत, क्योंकि संस्कृत में वाणी में कोई यानी दो अर्थ निकल नहीं सकती। जैसे अंग्रेजी में PUT पुट है और BUT बट है, बट संस्कृत में और देवनागरी लिपि में इसमें कोई कभी संदेह नहीं हो सकता कि ये पुट है या बट है। जैसे तो संस्कृत ही बनेगी इसकी। हमारी योगा तो अब दुनिया भर में चल रही है, तो धीरे धीरे हमारी जो संस्कृति है वो दुनिया में फैल रही है। हमारी बाकी चीज़ों में हम पीछे हो सकते हैं, परंतु जहाँ तक संस्कृति है वो तो बढ़ते जा रही है। हमारे देश में यानी इतने बाहर से आए इस देश को बदल नहीं सके। 45 संस्कृतियाँ हैं और 45 संस्कृति यूनेस्को ने लिस्ट बनाई, उसमें 44 जो है वो अब मिट गई है। एक ही संस्कृति बची हुई है, वो है हमारी हिंदू संस्कृति। और इसको पुनरुत्थान करने के लिए जो भी हम प्रयास कर रहे हैं वो भगवान की यानी संतुष्ट करेगी और भगवान की मदद रहेगी। और इसीलिए इतने तेज़ी से आज हमारे देश में जो एक चेतना आई है वो इसीलिए आई है क्योंकि भगवान की हमारी आशीर्वाद, भगवान के आशीर्वाद हमारे पास, हम लोगों के पास है। मैं ये चाहता हूँ कि शीघ्र ही शीघ्र संस्कृत हमारी एक जोड़ने वाली भाषा बन जाए। हर भाषा में
संस्कृत की शब्दें हैं और कई संस्कृत की जो लिपि है देवनागरी वो मिलता जुलता भी है। तमिल जो अलग मानते हैं कई लोग वो बिल्कुल अलग नहीं है। संस्कृत में करुणानिधि से मेरी बहस भी हुई थी उस समय, तो उन्होंने कहा हमें संस्कृत से कोई मतलब नहीं है। तो मैंने कहा आपका नाम करुणानिधि है वो तो संस्कृत है, तो आप इसको क्यों नहीं आप बदल देते हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं ये संस्कृत नहीं हो सकता। मैंने कहा मैं दिखा दूंगा डिक्शनरी में, मेरे पास डिक्शनरी में लेकर आया था, मैंने कहा दिखा दूँ उसमें। उन्होंने अपने चुनाव चिन्ह को चिन्ह कहते हैं, चिन्हम कहते हैं संस्कृत में, चिन्ह है और उदयन सूर्यन। तो मैंने कहा ये कहाँ का तमिल आप बात कर रहे हैं। तो और जो लिपि है उसमें क ऐसे लिखते हैं तमिल में, और की के लिए मात्रा, कू के लिए नीचे मात्रा। तो मैंने कहा कि इससे आपको जानना चाहिए कि कितनी हमारी निकटता है, आप इसको दूर मत करिए। इसके आधार पर सारा देश को बांधने के लिए एक ही भाषा है वो तो संस्कृत है। और संस्कृत मैंने उनको बताया कि दुनिया में इसको अब कंप्यूटर के लिए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ख़ास तौर पर जो सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी है उसको यह है। हमारे प्राचीन काल में भी ऐसे चीज़ों में हमने ग्रंथ देखी है जो आज भी लोग उसको समझने के लिए अनुसंधान कर रहे हैं। जैसे पुष्पक विमान से भगवान राम आए थे, ये विमान का टेक्नोलॉजी हम लोगों को पता था। तो एक ग्रंथ है विमान शास्त्र, विमान शास्त्र, और विमान शास्त्र में मैंने किसी से पढ़वाया कि ये पता करो कि ये पेट्रोल के जगह में क्या उपयोग किया। तो उन्होंने कहा कि मर्करी को उपयोग किया है, और आज रिसर्च चल रही है कि पेट्रोल के जगह में मर्करी आएगी तो इतनी बचाव होगी, क्योंकि एक बूंद से उसको एक 10 गैलन का पेट्रोल का बराबर होगी। ये तो हमारी ग्रंथ में है। तो ये संस्कृति अपने लोगों को सिखाने के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। आप जाएंगे यानी गूगल में और लिखेंगे सेंट जेम्स स्कूल और एंड संस्कृत, आप ऐसे लिखेंगे तो आपका पूरा कहानी उसमें आएगा कंप्यूटर में। वो क्या है कि सेंट जेम्स स्कूल सिर्फ सफ़ेद चमड़े लोगों की स्कूल, बच्चों की स्कूल है, लेकिन उस स्कूल में प्रिंसिपल ने तय किया है कि सुबह 6 साल के बच्चों से 11 साल के बच्चों के वो संस्कृत में श्लोक पढ़ने के लिए उनको अनिवार्य उन्होंने कर दिया है। और ये सफ़ेद चमड़े के जो बच्चे हैं उनके जो इंग्लिश लोग हैं और ये सबसे उच्च स्कूल मानी जाती है, उनके जो बच्चे हैं वो जो संस्कृत श्लोक बोलते हैं। अभी चार्ल्स का जो ये हुआ था कॉरोनेशन, उसमें उसकी स्कूल के 15 लोगों को ला करके बीबीसी में हमारे टीवी में दिखाया नहीं, क्यों मैं नहीं जानता, परंतु बीबीसी में दिखता है कि ये 12 लोग संस्कृत श्लोक बोलते हुए आशीर्वाद दी थी प्रिंस चार्ल्स को। और प्रिंस चार्ल्स भी कहते हैं कि संस्कृति भविष्य है। इसीलिए आज मैं कहता हूँ कि कौन सी चीज़ है हमारी जो लोग मानने के लिए हिचकिचा रहे हैं, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं। आयुर्वेदा संस्कृत तो मैंने कह ही दिया, हमारे जो यानी जो योगा के साथ जो भी अन्य है उस सब को आज लोग स्वीकार कर रहे हैं। अमेरिका में अब लोग कह रहे हैं कि हम जैसे हिंदू अंत्येष्टि में जलाते हैं वैसे हम लोग भी करना चाहिए, नहीं तो इतना ज़मीन आज सिर्फ दफन में जा रही है। ये तो ये इसको तो कोई तर्क नहीं है, तो उसकी भी चल रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि
जैसे एक काल में सारा विश्व में हम विश्व गुरु थे, तो वही दोबारा आ रही है। और हम लोग जो और आप विशेष जो संगठन बना करके जो प्रचार कर रहे हैं, उससे हमारी देश की जो भविष्य है, 10-15 साल के बाद हम नंबर 1 हो जाएंगे। अभी तो GDP में हम तीसरे नंबर पर हैं, नंबर 1 निश्चित तौर पर होंगे। जो पहले था, जहाँ लोग बाहर से आते थे भाग कर, यहाँ बाहर से दूसरे देशों से आते थे, वही स्थिति दोबारा बनने वाली है। और सॉफ्टवेयर ने दिखा दिया कंप्यूटर्स में कि हिंदुस्तान का कोई मुकाबला नहीं है, ऐसे होगी। तो मैं जो हिंदुत्व के लिए कर रहा हूँ, हिंदू पुनरुत्थान के लिए कर रहा हूँ, ये इस दृष्टि से कर रहा हूँ कि एक आधुनिक भारत में एक ही धर्म है, एक ही उपासना पद्धति है, जो हमें भविष्य में जो हमें आधुनिकता होनी चाहिए वो इससे हम सीख सकते हैं। और जो दूसरे जो धर्म है, इसमें कोई मुकाबला हमारे साथ दे नहीं सकती, हमारी प्रतिष्ठा के विरुद्ध में खड़ी नहीं हो सकती। तो आपने ये कि जो सम्मान दिया है, वो भी यानी आपने ही फैसला किया है। मुझे खेद है कि मैं नहीं आ सका, उस समय इतने कोर्ट केसेस में मैं जमा हुआ था, तो कि मैं आ नहीं सका। बट 15 सितंबर को मेरा जन्मदिन है, तो यदि आप स्वीकार करेंगे तो मैं उस दिन कानपुर में उपस्थित रहूँगा पूरा दिन। तो इतना कष्ट किया आपने और आए यहाँ और यहाँ हमें सम्मान दिया, ये तो मैं कभी भूलूंगा नहीं। और जो भी सेवा आगे आप हमसे मांगेंगे वो मैं पूरा उसमें कटिबद्ध करूँगा। और इसमें हम लोगों ने संस्था के बारे में, संस्था ने जो काम किए हैं उसके बारे में, जैसे क्यों काम, संस्था क्यों बनाई गई है, किन किन मंदिरों पे काम किया, वो डिटेल में लिखा हुआ। अच्छा, जैसे इतना समय तो नहीं था कि पूरा पढ़ के बताते। नहीं, कर लूंगा। और उसके बाद फिर संस्था ने क्या क्या काम किए हो, और इस जैसे ये सबसे पहले देवरिया में हमारे गाँव में, अच्छा, फिर कानपुर में एक मंदिर ऐसे जमींदारों का मंदिर था, मंदिर उन्होंने छोड़ दिया था, मूर्तियाँ से टूट गई थी, उसको इस कंडीशन में लाए। फिर हम लोगों ने ये भी एक मंदिर था, 70 साल पहले इसमें मूर्ति चोरी हो गई थी, इसमें मूर्ति की स्थापना कराई। अच्छा, कौन सा था ये मंदिर? करीब 20 सालों से भूमाफियाओं ने बंद कर रखा था, इसको हम लोगों ने छुड़वा के भूमाफियाओं से फिर इस मंदिर को बनाया। अच्छा, उसका केस इसी तरीके से। अच्छा। गरीब बस्ती के अंदर एक माता दुर्गा का मंदिर था, गरीब लोगों की बड़ी श्रद्धा थी उसका, उसको भी बनाया। उसी तरीके से बिठूर में, कानपुर में बिठूर एक जगह है जो तीर्थ क्षेत्र है, वो ब्रह्मावर्त उसको कहते हैं, वहाँ पे भूमाफियाओं का बड़ा आतंक था, तो वहाँ पे एक मंदिर में मूर्ति चोरी के थाने में रखी, तो उस मंदिर का जीर्णोद्वार हुआ, मंदिर ये मंदिर इस कंडीशन में पहुँच गया। अच्छा, इस कंडीशन से उसको लोग इस कंडीशन में, वाह। और यहीं पे मनु मंदिर बनाया गया। आप कभी कानपुर जब आएंगे तो मनु मंदिर का जरूर एक शॉट, जरूर ना, जरूर निश्चित। मैं हाँ ये बात मानता हूँ, तो मनु के बारे में समाज में जितनी भ्रांतियां फैलाई उसको सुरेंद्र कुमार जो कानपुर दिल्ली यूनिवर्सिटी के आपके मित्र भी हैं, दांगली, उन्होंने मनुस्मृति में बहुत काम किया, तो उनको भी हमने बुलाया। इन्होंने जो रूपरेखा बताई और जो उन्होंने लिखा है, उससे मैं कहूँगा कि मैं आपको हृदयपूर्वक मेरा धन्यवाद देता हूँ। और आपने ये हिंदू धर्म के लिए किया, मैं जानता हूँ, मुझे इसमें कोई ऐसा कोई अहम भाव है नहीं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आपने जिस शानदार तरीके से आपने ये सारे टाइप करके मुझे दिखाई है, उसको उससे मैं कहूँगा कि आप एक विद्वान हैं, और ब्राह्मण होते हुए विद्वान होना अनिवार्य है, और इसीलिए आपने ये प्रतिष्ठा जो दी है, इसके लिए मैं अपना हृदयपूर्वक धन्यवाद देता हूँ।